जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो कन्या राशि के जातकों के लिए है कि कन्या राशि के लोगों के लिए नवंबर 2022 का महीना कैसा रहने वाला है, ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की अवस्था आपके जीवन में किस प्रकार की फल को देने वाली हैं, ग्रहों का परिवर्तन आपके जीवन में क्या देगा। क्योंकि महीने की शुरुआत में देखें तो चतुर्ग्रही योग सूर्य, बुध, शुक्र और केतु का योग आपकी राशि से दूसरे भाव यानी धन भाव में बनता दिखाई दे रहा है। वहीं सूर्य 17 नवंबर को राशि परिवर्तन करेंगे, 11 नवंबर को शुक्र, 13 नवंबर को बुध और 13 नवंबर को मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा। यानी चार ग्रह इस महीने राशि परिवर्तन भी करेंगे और बृहस्पति जो आपकी राशि से चौथे और सातवें भाव के मालिक हैं, वक्री अवस्था में चल रहे हैं, 24 नवंबर को उनकी गति भी सीधी हो जाएगी। अब उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही मेरा आज का विषय है कि हम जीवन के सभी मुख्य पहलुओं के बारे में इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। देखिए, आपकी राशि से जो बुध है वो आपकी राशि के मालिक भी हैं और कर्म स्थान के मालिक भी हैं, यानी स्वास्थ्य, मान सम्मान, कर्म और कार्य क्षेत्र, इन सबको संभालने वाले जो ग्रह हैं वो बुध हैं। और वो बुध राशि से दूसरे घर के अंदर शुक्र के साथ एक राजयोग बनाकर चल रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि राशि से दूसरे घर के अंदर चतुर्ग्रही योग है, जिसको हम कहते हैं सूर्य, केतु, बुध, शुक्र का एक चतुर्ग्रही योग। ये चतुर्ग्रही योग अगर हम बुध और शुक्र के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छा है कि राशि का मालिक अपने से दूसरे घर में है, अच्छा है, स्वास्थ्य, सम्मान, धन के लिए अच्छा माना जाता है क्योंकि राशि का मालिक धन स्थान में जुड़ गया। वहीं आपके कर्म भाव के मालिक कौन है, वो है बुध। वो कर्म भाव का मालिक जो बुध है वो भी धन भाव के अंदर है। इसका मतलब ये स्थिति लगातार कर्म से धन देने वाली है, बोलचाल से, वाणी से धन देने वाली है, फाइनेंस को बढ़ाने वाली स्थिति दिखाई देती है। यानी खास तौर पर ऐसे लोग जो धन से संबंधित बहुत काम करते हैं, जैसे फाइनेंस का काम है, स्टॉक मार्केट का काम है या म्यूचुअल फंड से संबंधित काम है, जहाँ आप लोगों के पैसों से संबंधित कार्य करते हैं कि भी आपको किसी का पैसा लगवाना है, उससे फायदा देना है, इस तरीके की स्थितियाँ। यानी अगर इसको मैं नौकरी और व्यापार दोनों के स्तर से देखूँ तो अच्छा है, क्योंकि कर्म का मालिक अच्छा है। कर्म का मालिक धन भाव में, धन भाव के मालिक सूर्य के, शुक्र के साथ बैठा है। शुक्र यहाँ स्वराशि के होकर अपनी ही राशि में है, वो आपके भाग्य स्थान के मालिक भी है। यानी भाग्य, कर्म, राशि और धन दोनों, तीनों चारों भाव के मालिक जो हैं वो शुक्र और बुध हैं। वो धन स्थान में बहुत अच्छी और मजबूत पकड़ के साथ बने हुए हैं। 11 नवंबर को शुक्र का परिवर्तन होगा, 13 नवंबर को बुध का परिवर्तन होगा। यानी जो धन योग, जो राजयोग राशि से दूसरे घर में बन रहा था, अब वो धनयोग राजयोग राशि से तीसरे घर में बनेगा। और तीसरा घर आपके स्वयं की प्रतिभाओं का घर है, तीसरा घर आपके सेल्फ एफर्ट्स का घर कहलाता है। जब हम सेल्फ एफर्ट्स की बात करते हैं तो शुक्र और बुध की युति जब राशि से तीसरे घर में बनती है तो यहाँ से बैठकर ये भाग्य स्थान को दृष्टि देती है कि भाग्य स्थान का मालिक शुक्र भाग्य स्थान को देखकर उसमें वृद्धि कर रहा है कि व्यक्ति यात्राओं से, ट्रैवलिंग से, दूर स्थान से जुड़कर, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से, अपने जानकारों के साथ मिलकर काम करके भी ऐसे समय में लाभ लेता है। अगर आप जीवन में चाहते हैं मेरा ट्रांसफर हो जाए, मेरा स्थान परिवर्तन हो जाए, मैं दूर स्थान से जुड़ जाऊं, मेरी विदेश यात्रा हो जाए, तो ये शुक्र बुध का योग 11 नवंबर के बाद आपकी स्थितियों को पॉजिटिव कर देगा। यानी पहले ही राजयोग धन स्थान में था, वह भी बेहतर, फिर ये तीसरे में आया तो भी आपके लिए अच्छा ही रहा। यानी कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से हो, नौकरी में हो, तरक्की के हिसाब से हो, तो सभी तरह से शुक्र और बुध की युति पूरे महीने आपको एक बेहतर परिणाम देती दिखाई दे रही है। हाँ, सूर्य केतु का ग्रहण दोष आपके लिए शुभ नहीं है कि 17 नवंबर तक सूर्य नीच के होकर अपनी शत्रु की राशि में राहु केतु अक्ष पर दूसरे घर पे ग्रहण लगाएंगे। तो ये ग्रहण योग जब लगता है तो मैंने बहुत बार देखा है कि इस दौरान आंखों से संबंधित कोई परेशानी आ सकती है, कोई चोट ना लग जाए, किसी चेहरे पर कोई खरोंच का, जलने का, इस तरीके का कोई निशान ना बन जाए, उसका ध्यान रखें, क्योंकि आंखों से संबंधित प्रॉब्लम के लिए ये ग्रह जाना जाता है। ऐसी स्थितियों में कभी कभी हेयर फॉल की बहुत ज़्यादा समस्या होने लगती है, बालों की समस्या, त्वचा के रोग होने शुरू हो जाते हैं, स्किन के ऊपर या फेस के ऊपर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो वो उस तरीके की ये प्रॉब्लम देने में सक्षम है। अब वो 12वें घर का मालिक भी है शुक्र, धन भाव में बैठा है, ग्रहण दोष में है, नीच का भी है, इसलिए धन का अपव्यय रोकें, ये स्थिति आपके जीवन में धन के खर्च को बढ़ाने वाली है, बिना वजह पैसा खर्च करा सकती है। यानी धन से संबंधित जो चिंताएं हैं 17 नवंबर के बाद सॉल्व होती दिखाई देंगी, क्योंकि सूर्य फिर शुक्र और बुध के साथ तीसरे घर के अंदर आ जाएगा। अब द्वादश भाव का मालिक जो सूर्य है वो तीसरे घर में शुक्र बुध के आगे हो गया, यानी ट्रैवलिंग से मिलने वाला है कोई अच्छा लाभ।
यात्राओं से मिलने वाला है अच्छा लाभ, या दूर स्थान से जुड़कर कोई मिलने वाला है लाभ, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि आपके द्वारा किए गए सेल्फ एफर्ट साकार होते दिखाई दे रहे हैं। यानी पहले 11 नवंबर, फिर 13 नवंबर, फिर 17 नवंबर लगातार ग्रहों का मूवमेंट आपके लिए पॉजिटिव दिखाई देता है। आपके लिए समस्या का विषय मंगल है। वो मंगल इसलिए समस्या का विषय है कि एक तो आपकी राशि के लिए वो शत्रु है, दूसरा राशि से अच्छे भावों का मालिक भी नहीं है, तीसरे और आठवें का मालिक है। 13 नवंबर तक देखें तो मंगल की स्थिति राशि से दशम में चलेगी। कहते हैं अष्टम का मालिक दशम भाव में हो तो कार्य क्षेत्र में अड़चन और परेशानी देता है। ऐसे समय में काम धंधे के अंदर उतार चढ़ाव देखे जाते हैं, काम के अंदर पूर्ण सक्सेस नहीं होती। व्यक्ति को ये लगता है कि मुझे जो मेहनत में कर रहा हूँ उसका मुझे पूर्ण फंड नहीं मिलता। कभी कभी ऐसी स्थितियों में अचानक सा काम में नुकसान, या जहाँ नौकरी करना है वहां से आपको कोई ऐसी गलती हो जाती है जिसके कारण आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, या कुछ समय के लिए अपमानित होना पड़ता है। 13 नवंबर तक आपको ये संघर्ष लगातार बना रहेगा कार्य क्षेत्र को लेकर, लेकिन 13 नवंबर के बाद मंगल का राशि परिवर्तन होगा और मंगल मिथुन से लेकर वापस वृषभ में आ जाएंगे। इस बार ये मंगल अष्टमेश होकर भाग्य स्थान में पहुंचेंगे, लेकिन अच्छी बात ये रहेगी कि भाग्य स्थान के मालिक जो है शुक्र और साथ में बुध, ये दोनों भाग्य स्थान को देखेंगे, इसलिए मंगल जितना बिगाड़ना चाह रहा उतना बिगाड़ नहीं पाएगा। जहाँ मंगल और शुक्र का एक बहुत सुंदर राशि परिवर्तन भी बनेगा कि मंगल होंगे वृषभ राशि में, शुक्र होंगे मंगल की राशि में, यानी भाग्य और तीसरे घर का राशि परिवर्तन मेहनत से भाग्य को बलि बनाता है। जहाँ सूर्य बुध शुक्र की युति तीसरे भाव के अंदर यात्राओं से लाभ देती है, तो वहीं मंगल की नवम भाव में स्थिति यह बताती है कि फिर से आपको इस दौरान अवश्य ही कोई ट्रैवलिंग दिखाई देती है या दूर स्थान से जुड़ना दिखाई देता है, चाहे दूर का व्यक्ति हो, चाहे एमएनसी कंपनी हो, चाहे विदेश के लोग हो। क्योंकि तो मंगल जब नवम भाव में बैठेगा तो द्वादश भाव पर और तीसरे भाव पर दृष्टि दे रहा होगा, तो वो एक स्थिति है मुझे यहाँ मंगल की वजह से दिखाई दी है। शनि बहुत प्रबल है, पंचमेश पंचम में विद्या बुद्धि शिक्षा इन सब के लिए बहुत सुंदर माने गए हैं। तो वहीं बृहस्पति सप्तमेश होकर सप्तम भाव में है। अब पंचम और सप्तम का कनेक्शन यानी लव रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा होता है, मैरिज के लिए अच्छा होता है, रिश्ते कराने के लिए अच्छा होता है, उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन हमें यहाँ अच्छा ही दिखाई दिया है। अब बृहस्पति 24 नवंबर को वक्री होंगे, यानी ग्रह की चाल होगी सीधी सप्तम भाव से संबंधित, रिजल्ट तेजी से मिलने की संभावनाएं 24 नवंबर के बाद बन जाएंगी। चौथे घर का मालिक भी है, इसलिए भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में फायदा, मदर को कोई हेल्थ इश्यूज है तो वो भी सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ बृहस्पति की स्थिति जब राशि से सप्तम भाव में मार्गी होगी तो वो एकादश भाव पर गई हुई दृष्टि फायदा देने वाली होगी। है फायदा देने का मतलब है लाभ की स्थिति को बढ़ाने की स्थितियां बृहस्पति के द्वारा बनेंगी। यानी ग्रहों का गोचर लगातार कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर है, बस मंगल ही आपके लिए थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हैं। हनुमान जी की आराधना करो, हनुमान जी से संबंधित पूजा पाठ आप इस महीने करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो ये था मेरा आज का विषय कि कन्या राशि के जातकों के लिए नवंबर 2022 का महीना कैसा है, ग्रहों की स्थिति परिवर्तन आपके जीवन में क्या फल देंगे, उसके बारे में आपको जानकारी दी है। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।